जय श्री राम दोस्तों, हनुमान चालीसा को इस कलयुग में सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। आपको बता दें कि जो भक्त जीवन में बहुत ही ज्यादा संकट से घिरे हैं, अगर वह हनुमान जी के शरण में आते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस भक्त के जीवन के सारे संकट श्री बजरंग बली हर लेते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है। आपको बता दें दोस्तों कि हनुमान चालीसा पढ़ने से यह 12 चमत्कार भक्त के जीवन में होकर रहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो यह नहीं जानते हैं। अगर वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हनुमान चालीसा का नित्य दिन पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ 12 चमत्कार होते हैं और इन चमत्कारों को महसूस अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का सच्चे मन और ध्यान से नित्य पाठ कर रहा है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता है उसको इस चीज का कोई अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान से आप सुनिए, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा का अगर आप भी पाठ करते हैं तो ध्यान से इस चीज को सुनिए और मिलाइए अपने जीवन में कि क्या क्या आपको भी ये अनुभव होता है। दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भक्त के जीवन में 12 चमत्कार होते हैं, और आपको बता दें कि वीडियो के अंत में हम आपको दो ऐसे महा उपाय के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आपके घर परिवार में संकट छाया हुआ है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या आपके ऊपर है तो इसको कैसे दूर करें हनुमान चालीसा के द्वारा, और अगर आपके जीवन में गरीबी ज्यादा है, पैसों की तंगी है तो इसको हनुमान चालीसा के द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ 12 चमत्कार कौन कौन से होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान चालीसा को स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक अत्यंत लोकप्रिय स्रोत है। इसमें भगवान हनुमान की महिमा का वर्णन किया गया है और इसे भक्ति लिपि के रूप में पढ़ा। दोस्तों अगर आप पूजा थाली खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से खरीद सकते हैं, और खरीदते समय डिस्काउंट कूपन में दिवने हनुमान 15 कोड डालकर अप्लाई करें। आपको 15 पर डिस्काउंट का फायदा होगा। हर प्रोडक्ट पर और भी धार्मिक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हमारी वीडियो में आपको ऐसे ही धार्मिक प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद किया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के जीवन में अनेक चमत्कार होते हैं। आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्त के जीवन में कौन कौन से 12 चमत्कार होते हैं। दोस्तों चलिए नंबर एक बात करते हैं। नंबर एक, मानसिक शांति। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब भक्त तनाव या चिंता में होते हैं तब यह पाठ उन्हें संतुलित और शांत रहने में मदद करता है। भगवान हनुमान की उपासना से मन में सकारात्मकता का संचार होता है। घटना नंबर दो, आपको एक बात बता दूं कि यदि कोई अनन्य भक्त श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ करता है तो उसके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कारिक तथ्य, ऐसे ऐसे चमत्कारिक और रहस्यमय घटनाएं जुड़नी प्रारंभ हो जाती हैं, जो कि उसने कभी सोचा नहीं होता। तो दूसरी घटना में आपको बताते हैं दूसरी उस घटना की जो कि श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आपके जीवन पर होती है। दूसरी जो घटना आपके साथ घटित होगी वह यह है कि जैसे जैसे आप श्री हनुमान चालीसा के साथ में अपने आप को जोड़ लेंगे, श्री हनुमान चालीसा के बिना यदि आप अपना एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते, आपको बहुत बेचैनी होगी आपके मन में कि जैसे आपके जीवन का कोई मुख्य भाग, कोई मुख्य धारा छूट गई हो। इतना प्रेम आपको श्री हनुमान चालीसा से हो जाएगा। इसके साथ साथ धीरे धीरे आप ओजवान बनने लग जाते हैं, ओजस्वी हो जाते हैं। आपके हर वाक्य में एक प्रकार की दिव्यता हर व्यक्ति को आपके अंदर देखने को मिलेगी। जिससे भी आप मिलेंगे आपके वाक्य बहुत सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान चालीसा में यह वर्णित है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता।
अश्वरदीन जानकी माता यानी कि स्वयं श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति है। और श्री हनुमान जी का एक नियम है कि जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी को समर्पित भाव से पूजता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, श्री हनुमान चालीसा से जुड़ता है, तो हनुमान जी स्वयं अपने जैसा स्वरूप ऐसे अनन्य भक्त को प्रदान कर देते हैं। अपने शक्तियां, अपने जितना भी उनके अंदर तेज है, वह सारा तेज उनके अनन्य भक्त के ऊपर भी दिखने लग जाता है। यह सबसे दिव्य घटना है जो आपके साथ होगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उस समय श्री हनुमान जी को आपने सदैव याद करते हुए इसका पाठ करना है। इसमें आप किसी प्रकार की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा में जितनी भी चौपाया है, उन सारी चौपाइयों पहले ही सिद्ध किया जा चुका है। इन सिद्ध चौपाइयों को यदि आप धीरे धीरे अपने जीवन में लेकर आना शुरू करते हैं, तो श्री हनुमान जी आपको अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। सोचिए कि कितने अनन्य श्री हनुमान जी अपने भक्त को दुलार करते हैं, कितना प्रेम अपने अनन्य भक्तों से करते हैं। और श्री राम कृपा तो आपके जीवन पर यह बात 100% तय है कि आपके जीवन में श्री राम जी की कृपा भी धीरे धीरे से प्रवेश करना प्रारंभ कर जाएगी। नंबर 3, स्वास्थ्य में लाभ। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। भक्त इस पाठ के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। कई भक्तों ने रोगों से मुक्ति पाने का अनुभव भी किया है। नंबर 4, संकट से मुक्ति। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। भक्त जब संकट में होते हैं, तब हनुमान चालीसा का पाठ उन्हें संकट से मुक्ति दिलाता है। यह पाठ संकट की घड़ी में सहारा बनता है और भक्त को साहस प्रदान करता है। नंबर 5, कार्य में सफलता। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कार्य में सफलता की भावनाएं बढ़ जाती हैं। भक्तों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। यह विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यवसाय में सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर 6, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्त को सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी की कृपया से भक्त भूत प्रेत और नकारात्मकता से सुरक्षित रहते हैं। यह एक प्रकार का रक्षा कवच बन जाता है। नंबर 7, आत्मविश्वास में वृद्धि। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आत्मविश्वास को बढ़ाता है। भक्तों को अपने कार्यों में सफल होने का विश्वास मिलता है, जिससे वे अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जीवन में अब बात आती घटना नंबर 8 की। श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले साधक के जीवन में यह घटित होती है कि आप जैसे जैसे श्री हनुमान चालीसा की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाना प्रारंभ करते हैं, आपको धीरे धीरे अध्यात्म में बहुत बहुत गहरी रुचि हो जाएगी। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जीवन के सारे महत्व अध्यात्म का ही भाग है। आप इस आध्यात्मिक यात्रा में स्वयं को पाएंगे, यानी कि धीरे धीरे से आप इतने सात्विक हो जाएंगे, इतने आध्यात्मिक हो जाएंगे कि आपकी जहां पर भी उपस्थिति होगी, आप इस बात को रेखांकित कर लीजिएगा कि आपका हर कार्य बहुत बहुत सफल होगा। आपके हर कार्य में आपको सफलता 100% मिलना तय ही है। आप स्वयं सोचिए कि श्री राम जी का आशीर्वाद आपके साथ है, श्री हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। तो जब इन सब लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपके जीवन में फिर कैसे कुछ चमत्कार पूर्ण नहीं घटित होगा। आप स्वयं सोचिए। सोचने वाली बात है कि जिसके पर श्री राम जी का, श्री हनुमान जी का हाथ है, ऐसे भक्त को कौन सकता है, कौन गा सकता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में विश्वास तोड़ना, उसको गलत मार्ग की ओर ले जाना असंभव है। इसीलिए आप अपने जीवन में कदम कदम पर कामयाबी को देखेंगे। आपके साथ जुड़ने वाले लोग भी कामयाब होंगे, आपकी बातें करने वाले लोग भी कामयाब होंगे। कुल मिलाकर कहने का आशय यही है कि आपका जीवन बहुत बहुत सार्थक हो जाएगा। नंबर 9, पारिवारिक कल है हनुमान जागा। हनुमान का पाठ करने से परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, कलह खत्म होता है, क्लेश दूर होता है। यह परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट करता है और उनके बीच संबंधों को मजबूत बनाता है। नंबर 10, शत्रुओं से रक्षा। दोस्तों,
आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से शत्रुओं से रक्षा होती है। हनुमान जी की कृपा से भक्त अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह पाठ नकारात्मकता को समाप्त करके सहायक आपके लिए बनता है। आपके जीवन में यह सकारात्मकता का संचार करता है। नंबर 11, आत्मज्ञान की प्राप्ति। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ आत्मज्ञान की प्राप्ति में भी सहायक होता है। यह भक्त को आत्मा की वास्तविकता को समझने में मदद करता है, जिससे वे भौतिक संसार से परे की अनुभूति करते हैं। नंबर 12, जीवन में आनंद और उत्साह। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ जीवन में आनंद और उत्साह भरता है। जब इसे पढ़ते हैं 12, तो उनके मन में उत्साह का संचार होता है और वे हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। यह जीवन को सकारात्मकता से भर देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि यह भक्त के जीवन में अनेक चमत्कार लाने वाला एक साधन है। इसके माध्यम से भक्त मानसिक शांति, स्वास्थ्य, सफलता, सुरक्षा और समर्पण की भावना को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सभी भक्तों को इसे नियमित रूप से पढ़ने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, वह दो ऐसे घटना जो आपके जीवन में अगर घट रहे हैं तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। पहली घटना है, अगर आपके जीवन में अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या फिर आपके घर परिवार के किसी भी व्यक्ति पर, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि घर परिवार में सकारात्मक शक्ति का वास होने पर उसे दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत प्रभावी हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों और उनकी कृपा का वर्णन है। पहले शांति और एकाग्रता के साथ एक स्वच्छ स्थान का चयन करें, वहां एक दीपक या अगरबत्ती जलाएं और हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद संकल्प करें कि आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। इसे सुबह या शाम के समय नियमित रूप से 40 दिन तक करने से आपके घर के जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है वह खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा है, अगर आपको पैसों की तंगी अगर आपके घर में है या आपके जीवन में आया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें दोस्तों कि घर में पैसों की तंगी और गरीबी को समाप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ एक शक्तिशाली उपाय है। हर मंगलवार या शनिवार को साफ सुथरे स्थान पर बैठ हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दौरान अपने मन में धन की प्रगति और समृद्धि की भावना रखें। पाठ के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे आपको आर्थिक स्थिति में सुधार करने की शक्ति प्रदान करें। इसके साथ ही घर में सकारात्मकता बनाए रखें और व्यर्थ के खर्चों से बचे नियमित रूप से दान करने से भी धन के प्रवाह में वृद्धि होती है। हनुमान जी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदा बना रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी जरूर लिखें। क्या क्या राम।